नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल 2024 से पहले देखिए कई सारी खबरें मैंने केकेआर के बारे में आप लोगों को बता दी हैं, जैसे दुश्मंता चमीरा आ गए हैं केकेआर के लिए, बड़ी अच्छी संकेत है। दुश्मंता चमीरा की गेंदबाजी के तौर पर वापस आना केकेआर में, यह जाहिर तौर पर बड़ी अच्छी बात है कि दुश्मंता चमीरा को केकेआर ने शामिल किया। अब केकेआर की तेज गेंदबाजी थोड़ी सी मुझे मजबूत नजर आ रही है, शानदार नजर आ रही है। लेकिन इससे अलग एक और बहुत अच्छे संकेत केकेआर के लिए मिलते नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2024 की तारीख आ गई है और आईपीएल 2024 में पहला मुकाबला केकेआर का हो सकता है। जी हां, ये केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत है। चलिए आपको मैं पूरी खबर बताता हूं, पूरी जानकारी आप लोगों को देता हूं। दरअसल अभी तक आप लोगों को क्या था, ये सवाल होगा आपके जहन में कि भाई साहब पहला मुकाबला कब होगा। 22 मार्च की तारीख जो थी वो लगभग फिक्स मानी जा रही थी, लेकिन तारीख में भी बदलाव हुआ है, मैदान में भी बदलाव हुआ है, टीम में भी बदलाव हुआ है और ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है आईपीएल 2024 को लेकर। पहला मुकाबला, सबसे पहले मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, तारीख बाद में बताऊंगा। पहला मुकाबला ईडन गार्डन मैदान पर खेला जा सकता है, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर ये पहला मुकाबला खेला जा सकता है। अब ये तो ईडन गार्डन मैदान पर मुकाबला होगा, इसके पीछे की दो खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि बीसीसीआई इलेक्शन के मद्देनजर ईडन गार्डन मैदान को चुन रही हो, इस वजह से ईडन गार्डन मैदान पर पहला मुकाबला करवा रही हो, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले से ही साफ कर दिया था कि अगर इलेक्शन को की तारीखों को देखा जाएगा, जहां पर चुनाव होंगे वहां पर मैच नहीं कराए जाएंगे, जहां पर चुनाव नहीं होंगे वहां पर मैच कराए जाएंगे। तो हो सकता है कि बीसीसीआई का प्लान हो कि उस वक्त जब मैच शुरू होंगे, आईपीएल शुरू होगा, पहला मुकाबला होगा, तो हो सकता है कि उस वक्त बाकी जगह पर इलेक्शन चल रहे हो और बंगाल में इलेक्शन ना हो, इसीलिए ईडन गार्डन मैदान को बीसीसीआई ने चुना हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा प्लान यह भी हो सकता है कि पहला मुकाबला केकेआर के साथ करवा दिया जाए, क्योंकि अगर ईडन गार्डन मैदान को चुन रही है बीसीसीआई तो जाहिर तौर पर वहां पर केकेआर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केकेआर का अपना होम ग्राउंड है, केकेआर के फैंस वहां पर जाते हैं, केकेआर को लोग पसंद वहां पर करते हैं। तो हो सकता है कि केकेआर का पहला मुकाबला वहां पर करवा दिया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। तो मैदान को लेकर तस्वीर साफ लगभग मानी जा रही है कि ईडन गार्डन मैदान पर पहला मुकाबला करवाया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरी खबर आ रही है तारीख की लेकर, वो ये कि 22 नहीं बल्कि 23 मार्च को आईपीएल की शुरुआत हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हाथ लगी है कि 22 की जगह 23 मार्च को आईपीएल की शुरुआत हो सकती है। और पहली दो टीमें कौन सी होंगी, अभी तक तो क्या होता था कि चैंपियन और उपविजेता, विजेता और विजेता टीमें आपस में भिड़ती थी, लेकिन अब क्योंकि ईडन गार्डन मैदान पर क्योंकि पहला मुकाबला होने की बात सामने आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई केकेआर का मुकाबला पहला करवा दे, केकेआर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करवा दे, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहला मुकाबला ईडन गार्डन मैदान पर खेलने की बातें चल रही हैं। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और क्या आपको लगता है कि पहला मुकाबला केकेआर के साथ होगा, यह भी बताइएगा। और क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।